हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज छठा दिन का सोल्यूशन है। छह लगातार दिनों से सेट चल रहा है, एवरीडे सेट होता है, एवरीडे सोल्यूशन होता है। जीडी का चल रहा है, इसके बाद तमाम एग्जाम्स आने वाले हैं उनके चलेंगे और इसी तरह से सोल्यूशन आपको उपलब्ध होता रहेगा। जो लोग अगर केवल सेट नहीं लगाने आ सकते हैं या समय नहीं तो सोल्यूशन देखें। पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि एक पात्र में 240 लीटर शराब है, भरी है, उसमें से प्रत्येक दिन 80 लीटर शराब निकालकर पानी भर दिया जाता है। बताइए चौथे दिन के बाद उस पात्र में कितनी शराब। प्रत्येक दिन 80 लीटर निकाला शराब और भर दिया 80 लीटर पानी, तो ऐसे में अगर बोलता है कि शेष शराब कितना है, यानी जो चार बार निकालने के बाद शेष शराब पूछता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कुल मात्रा गुने वन माइनस निकाली गई मात्रा। हर बार जो निकाली जा रही है, निकाली मात्रा बटा कुल मात्रा, कुल, और जितना बार ये ऐसा हो रहा होगा उसका पावर कर दीजिएगा। यानी चार बार है यहां पर, तो चार निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर क्या है, 240 वन माइनस 80 बटा 240, यानी कि 38 की 24 और पावर चार है, तो 38 की 24 एक कट जा रहा होगा, जानते हैं कितना, 38 की 24 एक अनुपात 3 है, तो ये 240 गुने 2 बटा 3 गुने 2 बटा 3 गुने 2 बटा 3, यानी कि कितना बार हो जाएगा, ये गुना करिएगा ना, तो चार बार। ये देखो, ये पहले ही पता लग रहा है ना कि 240 गुने 2 बटा 3 का पावर 4 होगा, और ये मिलेगा 240 गुने 2 दुनी 4, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 9 नवा 81। यहां पर ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 47. जो भी आंसर है 40, क्योंकि 80 रहता तो 38 की 24 16 48 आता, 80 रहता तब, लेकिन है 81, तो 81 रहेगा तो 48 से कम यानी 47 आएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा अप्रोच ये है कि भैया जितना अगर शुरुआत में मात्रा है शराब का, कुल शराब लिखिएगा, ये कुल मात्रा लिख लीजिए, और हर बार जो निकाला जा रहा है वो निकाल लिखिए, निकाली गई मात्रा, निकाली गई, और उसके बाद पानी मिलाता है, निकालता है उतना पानी मिला देता है, यानी कि हर बार इंप्योर होता जाएगा। निकाली गई मात्रा 80 है, इसका अनुपात निकाल लीजिए और इसको लिखिए कि अगर तीन में से एक निकाल देंगे तो शेष शराब दो बचेगा, शेष शराब क्या बचेगा, दो बचेगा। कुल में से अगर तीन है कुल, उसमें से एक निकाल दें तो शेष शराब कितना बचेगा, दो। ये क्रिया कितना बार होगा, तो ये क्रिया टोटल तीन बार होगा, कि चार बार होगा, ये चार बार लिखा हुआ है, चार बार होगा, और ऐसे में तीन तीन 9, 9, 9, 81 और चर्चों का 16 हो जाएगा, यानी कि शुरू में अगर कुल 81 होगा तो अब बचेगा 16, और 81 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 81 240 दिया हुआ है, शेष यानी 16 कितना आपको निकल के आ जाएगा, वही आपको 47.40। तो दूसरा अप्रोच ये है, जब पढ़ाएंगे तो ये समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा हुआ तो फॉर्मूला से बनाइए, मुझे लगता है बात समझ में आगे होगा। अगला सवाल आपके सामने है, वो कहता है कि किसी कार्य को 12 दिन में करता है पीटर, पीटर करता है किसी काम को 12 दिन में, तो मोहन पीटर से 50% अधिक क्षमता वाला है, तो मोहन उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर पीटर और मोहन की क्षमता निकालें तो आपको निकल जाएगा 50% अधिक पीटर से, मोहन पीटर से 50% यानी 100 काम करता होगा तो ये 150 काम करता है, तो 50 दुनी 100, 50 तिया 150, ये इफिशियंसी हो गया पीटर और मोहन का। अब क्या कीजिए, ये जो क्षमता है उसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए, पीटर का जगह पर 2 रखिए, 2 से 12, 2 काम के हिसाब से 12 दिन में करता है, तो 3 काम के हिसाब से कितना दिन में करेगा, तो 4 तिया 12, 4 दुनी 8 दिन में करेगा, इसका आंसर सी होगा। आप पीटर और मोहन की डायरेक्ट क्षमता निकालिए, पुट कीजिए इसमें। अगला सवाल देख रहे हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने कि यदि किसी धन पर, अगला सवाल है, किसी धन पर 600 रुपया है, सॉरी, किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 618 है, और जबकि उसी धन पर उसी समय वह उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज 600 रुपया है। देखिए सीआई और एसआई का एक सवाल है कि सीआई दिया हुआ है 2 वर्ष का कितना,
618 और एसआई दिया हुआ है दो वर्ष का कितना 600। एसआई और सीआई दिया हुआ है दो वर्ष का। आपको पता है साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, यानी प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज जानते हैं कितना होगा, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपया। द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज हो जाता है 300। और सीआई जो है सो प्रथम साल का वही रहता है, लेकिन द्वितीय साल का सीआई यानी टोटल 618 है चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसमें से 300 पहला साल का ब्याज रहा होगा तो दूसरे साल का रहा होगा 318। यानी कि यहां पर समझना पड़ेगा कि जो ये 318 में से 18 रुपया ज्यादा ब्याज मिला वो यही 300 के कारण मिला। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल दोनों का बराबर होता है और अगला साल वो बढ़ जाता है क्योंकि ईए वाला पर ब्याज और मिल जाता है, यानी 300 रुपया पर ब्याज और मिल गया होगा तो 18 रुपया ब्याज मिला होगा। और यही पूछता है कि ये रेट क्या है जो 300 पर 18 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज दे दिया, तो ये रेट निकालने के लिए 100 से गुना कीजिएगा और प्रतिशत निकालिएगा तो ये 6% इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि 43 नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला सवाल देख रहे हैं, एक चलती हुई रेलगाड़ी एक 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। चलती हुई रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है तथा एक बत्ती को 10 सेकंड में। देखिए बाबू, अगर 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है यानी कि अपनी लंबाई प्लस 50 मीटर को पार कर रही है 14 सेकंड में, ट्रेन अपनी लंबाई जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पार करती है अपनी लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है, यानी कि अपनी लंबाई तथा 50 मीटर को 14 सेकंड में पार करता है, तो बताइए कि तथा एक बत्ती के खंभे को 10 सेकंड में, बत्ती के खंभे को केवल 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो आप बत्ती के खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करेगी। कोई नेग्लिजिबल मोटाई वाले ऑब्जेक्ट को पार करेगा तो अपनी लंबाई, और कोई अगर जैसे प्लेटफॉर्म है लंबा है तो अपनी लंबाई तथा प्लेटफॉर्म को पार करेगा। और ऐसे केस में यहां पर देखिएगा तो ये 50 मीटर पार करने में 4 सेकंड इसको लग रहा है, तो चाल पूछता है अगर तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है 50 मीटर, टाइम है 4 सेकंड, तो यह आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड है में, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 रहेगा, 5 से 10 बार में 2×2=4 आपको आ रहा है और 5×2=10 आ रहा है, 9×5=45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आ रहा हो। तो मुझे लगता है कि बात समझ में आपको आया है कि 50 मीटर 4 सेकंड में तो चाल निकल जाएगा यहां से, क्योंकि अपनी लंबाई को तो दोनों जगह पर पार कर रहा है, ये एक्स्ट्रा समय जो लग रहा है 50 मीटर के लिए 4 सेकंड लग रहा होगा। अगला देखते हैं, सवाल कहता है एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाकर पैदल जाता है और घोड़े पर आता है तो उसको टोटल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है, लेकिन यदि वह आना जाना दोनों घोड़े से करे, जाए भी घोड़े से और आए घोड़े पर, और इस तरह से उसको 3 घंटे का समय लगता है, यानी 2G बराबर कितना घंटा, 3 घंटा। तो पूछता है कि जाने आने दोनों में पैदल जाने में और पैदल आने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले तो एक तरफ घोड़ा से जाने में 1.5 घंटा लगेगा, और 1.5 घंटा एक तरफ से घटाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा 3 घंटा, और अगर दोनों तरफ जाएगा यानी कि घोड़ा वाला चाल वाला घटा दिए तो जाने का लग गया 3 घंटा, और अगर दोनों तरफ पैदल जाएगा तो दोनों का लगेगा कितना घंटा, 6 घंटा। यहाँ से एक तरफ जाने में 1.5 घंटा लग रहा है घोड़ा से, तो घोड़ा से जाने में 1.5 घंटा लग रहा है यानी पैदल जाने में एक तरफ से 3 घंटा लग रहा होगा, और पैदल जाने में 3 घंटा लग रहा है, दोनों तरफ से जाएगा पैदल तो 6 घंटा लगेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, 2P+2G बराबर कितना हो जाएगा, 4×8 और 30×60 मिनट, 9 घंटा यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर कितना घंटा दिख रहा होगा, 9 घंटा दिख रहा होगा, और 9 में से क्या 2G घटा देंगे जो कि 3 घंटा है, तो 2P यानी दोनों तरफ पैदल जाने में 6 घंटा लगता होगा निकल आएगा। मुझे लगता है कि बात दोनों तरह से स्पष्ट हुआ है, समझ गए होंगे। समय दूरी का एक क्वेश्चन, हर सेट से समय दूरी का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। अगला कह रहा है दो संख्याओं का लघुतम समवर्तक उसके माध्यम समवर्तक का 45 गुना है। LCM देखिए, एक LCM का वीडियो डाला गया है उसको देखिएगा, बहुत सारा चीज समझ में आएगा। LCM HCF का 45 गुना है। जब घर पर जाते हैं तो पहले बना के अपने से देखें, फिर सेट सॉल्यूशन देखिएगा। हर दिन का काम हर दिन कीजिएगा, देखिएगा एक दिन बेहतर हो जाएगा। ये एक्स मानिए HCF, तो ये हो जाएगा 45x, और ये दोनों एक संख्या 125 उसमें दे दिल है, और लसा और मसा का योग दिया है 1150, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1150 आता होगा।
अब आपको यहां 46x बराबर कितना 1150 है, कितना बार में कट जाएगा 46 से, आप देखिए 46 से कट जाएगा कितने बार में, तो 23 दूनी 46, 23 पचे 15 से, तो 50 तो यानी 25 बार में कटेगा ये, 23 दूनी 46, 23 पचे 15 से 50 उधर, तो 25 दिन में कटेगा, 25 बार में कटेगा, यानी HCF कितना आ गया 25। अब क्या पूछ रहा था, ये एक संख्या दिया हुआ है 125, तो LCM और HCF निकाले, आपको पता होगा कि LCM गुने HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आपको यहां पर x बराबर 25 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा LCM 45 गुने 25, और जो HCF होगा वो होगा 25, और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 125, निकालना है सेकेंड नंबर संख्या तो निकल जाएगा। मुझे लगता है कि बात एकदम स्पष्ट है, काटिएगा इसमें तो ये दिखेगा 25 पचे 25 से, 5 पचे 25 और 45 पचे 225, यानी कि इसका आंसर आपका 225 आ रहा होगा। अब आई होप कि आपको ये बात स्पष्ट हुआ होगा, सेकेंड संख्या कौन सा होगा 225। तो आज ही के कॉन्सेप्ट में ये बताया गया था, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि x एक अन्य संख्या से 10% y से 10% कम है, तो ये y 100 होगा तो ये 90 होगा, y संख्या 125 से 10% अधिक है, इसका देखिए y संख्या, अच्छा यहाँ पर ऐसे दे रहा है, तो आप सोचिए y संख्या 125 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, 125 से अगर 10 अधिक है y संख्या, तो y बराबर निकाला जा सकता है इससे 10% अधिक, यानी कि कितना अधिक पता है, 125 का 10% 12.5, तो 125 प्लस 12.5 है सो अधिक है, यानी कि y जो है सो 125 प्लस 12.5 है, यानी कि 137.5 है। अब कह रहा है कि y से भी 10%, y से 10% कम है ये वाला, इससे 10% कम यानी कि 137.5 से 10% कम, यानी कि 90 बटा 100 कौन होगा, x होगा, ये 90 बटा 100 कीजिएगा, आपको देख रहे हैं कि ये कट जाएगा इससे दशमलव, और 9 पचे 45 के 5 और 9 सत्तर 63 और 4 67 7.5 लास्ट में किसका है, इसी का है, तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कैलकुलेट करके आएगा 123.75। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। 125 से 10 y ज्यादा था और इससे ज्यादा कम था कौन सा, ये अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं x के बारे में, 10 ज्यादा तो 10 से 11 हुआ होगा और फिर 10 कम तो 10 से 9 हुआ होगा, यानी कि 10 दही 100 और 11 99, यानी कि पहले वाला जो 100 है सो 125 है, तो अब कितना 99, और कैलकुलेट कीजिएगा तो वही आएगा जो वहां पर है, ठीक है आप करके देखिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला ज्यादा समझ में आ रहा है, चूंकि हम ये पढ़ाए नहीं अभी, इसको इग्नोर ही रहने दीजिए, अब बनाइए उसको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या है, जब भी इस तरह का संख्या दे दे और बड़ी संख्या पूछता रहे, जैसे संख्या दी 11/12, 12/13, 13/15, 16/13, 14 सब में एक एक का अंतर है, अगर अंतर समान हो तो जो बड़ा दिखे वही बड़ा, बशर्ते कि ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए नीचे वाला छोटा, 11/12 अंश छोटा होना चाहिए, सॉरी अंश छोटा हर बड़ा होना चाहिए, तब जो बड़ा दिखेगा वही बड़ा हो जाएगा। कौन बड़ा दिख रहा है सबसे, 15/16, आंसर कौन सा 15/16, क्यों, क्योंकि अंतर बराबर है, अगर अंतर बराबर दिखे तो ऐसा, अगर नहीं अंतर बराबर है तो उसका दूसरा उपाय, लेकिन अंतर बराबर होने पर जो बड़ा दिखे वही बड़ा प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि जगह ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा होता है उसमें। आगे बढ़ते हैं, मतलब समझ रहे हैं, यदि अंश छोटा है किससे, हर से, तो ये प्रॉपर है, ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर अंतर बराबर है सबका तो जो बड़ा दिखेगा वो बड़ा और जो छोटा दिखेगा वो छोटा। अब सवाल ये उठता है कि अंतर बराबर नहीं रहेगा तब, सर बाद की बात है, आगे देखते हैं प्रश्न। एक क्रिकेट खिलाड़ी का है, उसके द्वारा खेली गई 40 पारियों का बल्लेबाजी का औसत 50 है, उसका सर्वाधिक स्कोर 40 का औसत दे रखा है 50, इधर लिख देते हैं 50 औसत एवरेज, और सर्वाधिक का स्कोर उतना 172 है, यदि सर्वाधिक का स्कोर न्यूनतम स्कोर से मैक्सिमम जो है सर्वाधिक
मैक्सिमम जो है सो मिनिमम से 172 अधिक है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना होगा 172। अच्छा 40 संख्याओं का, तो दो संख्याओं का ऐसे है कि यदि ये दोनों पारियां हटा दें, जो मैक्सिमम मिनिमम हटा दें, तो पारी तो 38 बचेगा, तो 38 का औसत यहां कह रहा है कि 48 रह जाएगा। आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर यहां पर ऐसा देता हो तो देखिए कितना संख्या में कटा है, कमा है, संख्या में कमा है 2 और एवरेज में कमा है 2। और आपको क्या करना है कि अगर आपको 2 संख्या में भी कमा है और एवरेज में कमा है तो इसको क्रॉस गुना कर देना है ऐसे ऐसे, या फिर 40 में गुना कर दीजिए -2 से और -2 में इससे, ऐसे ऐसे सीधा इसमें इसके अंतर को और इसके अंतर को नीचे में, इसमें ऊपर वाला से इसको गुना किए तो इधर वाला में नीचे वाला से इसको गुना करेंगे, ठीक है, और ये दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम का योग आ जाएगा। योग कितना हो जाएगा तो 40 गुने -2 प्लस 48 गुने -2, 40 दुनी 80 माइनस में, हालांकि माइनस में रहे प्लस में पॉजिटिव लेना है, और प्लस 48 दुनी 96 माइनस में ना, तो 96 और 80 176 आ रहा होगा, यानी कि 176 नेगेटिव में आएगा तो पॉजिटिव लेना है, यानी कि दोनों का योगफल कितना आ गया जी, दोनों का योगफल आ गया मैक्सिमम और मिनिमम का आपको 176। ये योगफल देता है ये वाला तरीका 176, और अंतर कितना दिया हुआ है 172। बड़ी संख्या पूछता है सर्वाधिक स्कोर, ज्यादा वाला स्कोर आपसे अगर पूछता है तो दोनों का जोड़कर दूसरे भाग, दोनों का जोड़कर, दोनों को जोड़कर दूसरे भाग कर देंगे। मैक्सिमम वाला पूछता है तो मैक्सिमम वाला पूछता है तो दोनों को जोड़ के दो से भाग 172 प्लस 176 बटा 2 जो आएगा सो कितना होगा 348 बटा 2, यानी 17 दुनी 34 और 174 आपका इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि बात आपको स्पष्ट हो रखा है। अगला देखते हैं सवाल, कह रहा है कि किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपया है, 900 रुपया सीपी है, सीपी मतलब क्रैमुल है, खरीदा है इसमें 900 रुपये में, और कहता है 10% छूट देने के बाद ही 25%, पिछले क्लास में भी आया था बाबू कि इतना छूट देने के बाद इतना लाभ होता है, तो एमपी बटा सीपी लिखे, एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी बटा सीपी, और एमपी आपका कितना दे रखा है, एमपी बटा सीपी, एमपी आपका दे रखा है प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट आर आपका दे रखा है 25, तो 125 हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंट कल वाला वीडियो फिर से देखिए निकाल के, उसमें भी इस तरह का सवाल था 10% छूट यानी कि 90, कल कैलकुलेट कीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको 25 से 18 90 एमपी 25 रुपया और सीपी कितना रुपया 18 रुपया। यहां पर कह रहा है कि 18 रुपया जो है सो आपको 900 रुपया है, क्रैमुल जो है सो आपका 900 रुपया है, तो अगर अंकित मूल्य निकालना है यानी कि एमपी निकालना है, एमपी मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य निकालना है तो ऐसे केस में आपको 25 रख देना होगा, 18 95 25 125 1250 रुपया इसका एमपी रहा होगा, तब उसको घटा के डिस्काउंट देके फिर से बेचे होंगे तो ये लाभ हुआ होगा, है कि नहीं। अगला बढ़ते हैं प्रश्न, अगले के प्रश्न की तरफ। सवाल देखिए, कहता है कि परीक्षार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा 60% उत्तीर्ण हुए, परीक्षा में सम्मिलित हुए और 60% उत्तीर्ण हो गए, 5 छात्र परीक्षा से निष्कासित कर दिए गए, यानी कि भाई साहब अगर जितना शामिल हुए थे उसमें से 5 को तो पहले ही हटा दिया गया होगा, निष्कासित कर दिया गया, यानी कि 65 छात्र परीक्षा दिए, परीक्षा में शामिल छात्र कितने लोग 60 लोग, और 60 का 60% क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए, तो कर दिया गया परीक्षा में लिखने के लिए उनको मना कर दिया गया, तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, तो भाई साहब कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं ये देखिए, अगर 60% उत्तीर्ण हो गए हैं तो यहां पर 60 का 60% कितना 36 उत्तीर्ण हुए हैं, और 36 जो है सो कह रहा है कि 65 का कितना परसेंट है, तो जितना शामिल हुआ होगा उसी में उत्तीर्ण हुआ होगा, तो 65 का 36 है सो कितना परसेंट है वो निकालना है।
आपको 13×65 कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है ये आपको। ये एक मिनट पहले कह रहे हैं कि परीक्षा में, मैं इस सवाल को फिर से पढ़ता हूं। हाँ तो एक बार सवाल को फिर से देखिएगा, कह रहा है कि 65 कहीं पढ़ने में दिक्कत हुआ होगा, 65 परीक्षार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए और 60% उत्तीर्ण हो गए। अच्छा 65 का 60% उत्तीर्ण हुए, क्योंकि 65% का 60% उत्तीर्ण, उत्तीर्ण छात्र कितना हुए, उत्तीर्ण छात्र जो हुए 65 का 60% कितना होगा, 65×60/100 तो 20 60 20 25 100 13 5 65 33 39 पास हुए। लेकिन पांच लोग सम्मिलित ही नहीं हुए, पांच छात्र परीक्षा से निष्कासित कर दिए गए, तो पांच निष्कासित कर दिए गए यानी कि 60 लोग शामिल हुए, कुल शामिल में 39 लोग ही पास हुए, शामिल लोगों में, क्योंकि जितने शामिल लोग हुए उसी में से पास पूछ रहा है, शामिल में पास परसेंट, इतना गुने 100 आप काटिएगा तो ये मिलेगा 33×39 और 20×23 60 और 20×25 100 13×25 65। मुझे लगता है कि ये समझ में आपको आ रहा होगा। अगला प्रश्न उस तरह से है, ये बेसिक दिया हुआ है, आप सब लोग जानते हो कि ए अनुपात बी अगर दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी दे रखा है आपको 4:5 और सी अनुपात डी अगर दे रखा है 6:7 और आपको निकालना ए बटा डी, तो आप क्या कीजिए, सबको इधर और सबको इधर गुना कीजिए, यहाँ पर था ये 5 है ना, आपको a बटा डी निकालना है ना, तो आप गुना करिएगा ना a बटा बी गुने बी बटा सी गुने सी बटा डी, तो ऐसे केस में भी निकल जाएगा। और a बटा बी दे रखा है 2:3, b बटा सी दे रखा है 4:5 और c बटा डी दे रखा है 6:7 और कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको तुरंत। यहाँ पर देखिएगा कैलकुलेट कर 3×6 आ रहा है, 2×4 4×16 16/7 35 जो कि बी ऑप्शन है, मुझे लगता है कि आसान होगा। इसको आप बैलेंस ना करके डायरेक्ट कैसे लिखा कीजिए, कभी शुरू वाला अंतिम वाला दे देना, तो इनको और इनको गुना कर देना है, ए और डी का दे दे तो इनका गुना कर देना है, 4×8 6 48 और 5×3 15 7 105 ये काट के आइए आ जाएगा 16:35। मुझे लगता है कि स्पष्ट हो रहा है बात। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाँ तो सवाल अगला है 53, कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। देखिए प्रति वस्तु निकालना है तो आपको पता है रकम बटा मात्रा करते हैं, सीपी कितना है, सीपी है 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और बेचता है आपको 15 रुपए में 6 की दर से, तो सीपी आपको निकालिए 10/5 और एसपी निकालिए आपको 15/6, अनुपात निकालिए सीपी और एसपी का अनुपात, तो यानी 10×60 15×75 लाभ हुआ 15 रुपया, 15 रुपया लाभ हुआ 60 में गुने 100 यानी कि 25% लाभ, कितना लाभ हुआ यहाँ पर देखिए 15 रुपए लाभ हुआ है, तो मुझे लगता है कि आसानी से समझ में आ रहा होगा 15/60 60 रुपए में 15 रुपए लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 25%। आगे बढ़ते हैं प्रश्न, ये ज्यादा जल्दी हो गया क्या, रकम बटा मात्रा करके प्रति वस्तु दाम निकालते हैं, क्या निकालते हैं प्रति वस्तु दाम, प्रति वस्तु दाम रकम बटा मात्रा करके निकालते हैं, रकम बटा मात्रा करेंगे प्रति वस्तु दाम निकलेगा, कैलकुलेट कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में का मान ज्ञात कीजिए, अच्छा यहाँ पर निकाले तो आपको ये क्रय मूल्य निकला और ये किसका निकला, विक्रय मूल्य, रकम यानी पैसा और मात्रा मतलब समान, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल दीजिए, यहाँ पर से लाभ निकल जाएगा, खरीदा 60 में बेचा 75 में लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अगला सवाल 1/1×2+1/2×3 और जब भी ऐसा देता है 3×4 आगे बढ़ते जा रहा है, तो याद रखिएगा 1/99×100 दिया हुआ है, तो यहां पर क्या किया है करना है, पहले लिखना है अंतर 1/1 जितना इनका अंतर होगा आपस में, अंतर गुने प्रारंभ 1/प्रारंभ वाला जो है 100 और -1/अंत वाला, तो कैसे 1 अंतर कितना दिया हुआ है 2 और 1 का अंतर कितना है जी 2 और 1 का अंतर आपका दे दिया दे रखा है 1, सब जगह जो अंतर है ना वही लिखना है, यहाँ पर अंतर दे रखा है 1 सॉरी, तो 1/2 1/1 हो जाएगा, अंतर यहाँ पर कितना दे रहता है 1 और प्रारंभ वाला कौन है 1, तो 1/1 हो गया माइनस अंत वाला कौन है 100, तो 1/100 लिखिएगा और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये मिलेगा 1 -1/100 यानी कि ये मिलेगा 99/100 में से 1 गया
निन्यानवे बटा सौ जो कि दे रहा होगा 0.99, आंसर हो गया आपका डी। तो मुझे लगता है कि ये चीज समझ रहे हो, जहां भी ऐसा लगातार वाला देता है इसमें कैलकुलेट करना है इस तरह से। अगला आगे का सवाल देख रहे हैं 55, उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 13 सेंटीमीटर है। कोई एक सम चतुर्भुज जानते हैं, सभी भुजाएं समान, रोम्बस के बारे में बात कर रहा है, सभी भुजाएं क्या है इसके समान है, रोम्बस दिया है सभी भुजाएं समान है। अगर सभी भुजाएं समान है और सब 13-13 के हैं, आपको पता है इसके भी कर्ण 90 पर काटते हैं, इसके डायगोनल कैसे काट रहे हैं, 90 पर काटते हैं। अगर इसके विकर्ण नहीं है तो ये 90 पर काट रहे हैं, और अगर विकर्ण 90 पर काट रहे हैं और एक विकर्ण दे रखा है आपका कितना, एक विकर्ण आपको दे रखा है 24, तो ये 12-12 रहा होगा, और दूसरा विकर्ण, अच्छा 12 और 13 का ट्रिपलेट कितना, 5-12-13 होता है, यानी कि दूसरा ये वाला आधा जो होगा सो 5 होगा, ये 12-12 हो गया कैसे, क्योंकि एक विकर्ण दिया हुआ था 24, तो 24 का ये आधा आधा हो गया 12। अब ये तीसरा विकर्ण का जो है वो ये 12 और ये 13 है कर्ण, तो 5-12-13 ट्रिपलेट होता है, 5-12-13 यानी परपेंडिकुलर बेस तो ये कर्ण होगा। यहां पर देखिए 90 के सामने वाला कर्ण 13 था, ये 12 मिल गया तो ये 5 होगा, और ये 5 मिल गया तो ये भी 5 होगा, यानी कि दूसरा विकर्ण कितना हो गया 10। आपको D1 यानी कि मिल गया 24, तो D2 मिल गया 10, और आपको निकालना था एरिया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है समचतुर्भुज का कि हाफ गुने D1 इनटू D2, तो हाफ गुने D1 लिखिएगा आपका 24 और D2 लिखिएगा 10, तो यहां पर हो जाएगा 120, आंसर हो जाएगा आपका सी। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है आपको। अगला प्रश्न जो देख रहे हैं वो इस तरह से है कि दो वृत्त संकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय मतलब कॉन्सेंट्रिक, सेंटर दोनों के एक ही हो, दो वृत्त सकेंद्रीय वृत्त है जिसमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जिसमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये वाला 6 सेंटीमीटर है ठीक है, तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त त्रिज्या से 50% अधिक है, यानी कि अंदर वाला जो है उससे बाहर वाला जो है 50% अधिक है, यानी कि 100 है तो ये 150 है, 50% अधिक है, तो ये 50 × 100 50 × 150 यानी कि 2:3 में है ये, और ये जो दो दे रखा है वो आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 = 6 सेंटीमीटर, तो 3 = कितना 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोलता है यानी कि बाहर वाला वृत्त का जो रेडियस है वो कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, बोलते हैं कि वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो आपका भाग है, मैं डार्क कर देता हूं उसको, ये भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ये वाला पार्ट का वलय यही है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको बाहर वाला वृत्त में से अंदर वाला घटा देना होगा, बाहर वाला वृत्त का त्रिज्या था 9 और अंदर वाला का त्रिज्या था 6, तो घटा देंगे क्षेत्रफल कैसे, पाई आर यानी कि 9 का बाह वाला का वृत्त का क्षेत्रफल लिए और पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर छोटा वाला का, दोनों का अंतर निकालना था हमको, हम अंतर निकाल देंगे तो वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा ठीक है। वलय मतलब कि रिंग, एक तरह से इंग्लिश में आप कह सकते हैं, वलय का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका पाई, यहां पर देखिए पाई कॉमन हो जाएगा और 81 - 36 जो भी आएगा, या ए प्लस बी और ए माइनस बी पर भी तोड़ सकते थे, 81 - 36 कितना 45 पाई हो जाएगा, 45 पाई का वैल्यू रख देंगे अगर तो 22/7 होगा, और ये 45 × 22 आपका 990/7 हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो देता है थोड़ा सा फॉर्मूले से भी देता है, थोड़ा सा आपको समझदारी से देता है, समझने वाला देता है, तो मुझे लगता है कि ये 56 नंबर क्वेश्चन आपसे क्लियर हुआ होगा। 57 दे रखा है ऐसा कुछ और बोलता है कि इनमें से कौन सही है, तो ये देता है 309 जोड़ा है पहले लास्ट वाला, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं तो 0.039 दे रखा है, फिर 0.309 दे रखा है, फिर 3.09 दे रखा है, और फिर 30.9 दे रखा है। आप 9 × 9 = 18 देखिएगा, 9 × 3 = 12 और 1 = 13 देख रहे हैं, 9 × 3 = 13 देख रहे हैं, इतने ही से तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन अभी और करते हैं, 9 × 3 = 12 और 1 = 13 देख रहे हैं, और 3 × 1 = 4, तो 343 पॉइंट कुछ आ रहा है, आंसर हो जाएगा सी, मतलब इसको लिख के जोड़ देना है। अगला प्रश्न देखते हैं,
16 पेक्षकों के समांतर माध्य 12 दिया है, यानी 16 गुने 12 है योग। समांतर माध्य मतलब औसत, योग 16 गुने 12 है। इसमें से 6 पेक्षकों में से प्रत्येक में 8 घटा दिया गया, 6 पेक्षकों में से 8 घटा दिया गया, तो 48 घट गया होगा। 6 पेक्षकों में से 8 घटा दिया गया तो 6 × 48 घट जाएगा, तो प्राप्त नया समांतर का माध्य कितना होगा? तो जो आया है 48 घटा देंगे, 6 × 8 घटा देना है, इसमें से हमको 48 घटा देना है, तो नया माध्य क्या हो जाएगा? तो नया माध्य संख्या नहीं हटाए, संख्या उतना ही है, खाली 6 घटा दिए, तो 6 × 48 घट जाएगा, और क्या, 16 × 12 - 48। और ये नया माध्य निकालने के लिए कितना समय, 16 था, 16 यानी कि 12 - 48/16 यानी कि 12 - 3 यानी कि 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 58 के बाद देखिएगा 59 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, जब लगभग 9% के दर से वार्षिक चक्रव्याज है तो 2 साल के बाद 5000 की राशि कितनी है? 9% के दर से 2 वर्ष का CI अगर निकालना है, चक्रव्याज है तो 2 साल के बाद इतना की राशि कितनी होगी, यानी मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो आपको 2 वर्ष का निकालना है ना जी। कभी भी 9% टाइप का दे ले रेट, आपको कुछ नहीं करना, 2 वर्ष के लिए CI निकाल लीजिए, प्रिंसिपल 100 मान के, 100 के लिए CI क्या होगा, 2 वर्ष का है तो 9 + 9 × 9 × 9/100 ये हो जाता है, तो 9 × 2 = 18.81 होगा, 9 × 9 = 81 ना, 81 होगा। और ये जो है सो आपका CI आया, मूलधन कितना दिया हुआ था, इतना, यानी कि मैं ब्याज निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं कि भाई साहब देखिए 100 है, 100 कितना है, 5000 रुपया है, और 5000 में जो जोड़कर आएगा ना ये ब्याज, 100 है 100, 5000 है, मुझे निकालना है 18.81, आपको देखिए काटिएगा तो 18 × 95 900 समथिंग आ रहा है, गुना कर दीजिए, बल्कि ये 5000 ये में अमाउंट हो जाएगा। ये मैंने क्या निकाला, ये मैं CI निकाल रहा हूं, क्योंकि इतना बराबर इतना है, तो 18.81 बराबर कितना, हमने 100 के लिए CI निकाला इतना, 100 के लिए CI निकाला इतना, 100 बराबर इतना, तो 18.81 बराबर कितना, 5000 प्लस 940.5 आ रहा होगा ये, अब इसको जोड़िएगा तो 5000 प्लस 940.5 समथिंग 940 हो जाएगा, कौन सा, बी। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला और अंतिम प्रश्न है कि 2 + 1/2 + 2 = 1.4 और प्लस यहां पर पूरा में 1, तो सबसे पहले तो इसको देखिए, ये इसको लिखिएगा ना, तो कैसे लिख पाएंगे, ये 2 + 1/2 + 2 × 4 + 1 = 5, तो 4 ऊपर में चल जाएगा और नीचे में होगा 5 प्लस 1, यहां पर अगर सॉल्व करिएगा तो 2 + 4 × 8 = 5 = 13, तो 5/13 और प्लस 1, यहां पर सॉल्व करेंगे तो 13 × 26 प्लस 5 और प्लस 13, तो 39 प्लस 5 44/13 जो भी आता होगा ये आंसर होगा। ये आई होप कि कर लिए होंगे, मुझे लगता है कि आज जो सॉल्यूशन मिला होगा पहले से बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए होंगे। आज भर इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।